एडवर्टाइजमेंट का प्रभाव तो काफ़ी पड़ता है. हम लोग सब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ मिल जाए और उसके 10 ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं. एड्स की अपनी अहमियत भी है, हमें इन्फॉर्मेशन भी देती है, लेकिन ये जो फोरम था इसमें ये था कि किस तरह से आप जिम्मेदारी के साथ एडवर्टाइज़ करें और उसके बारे में चर्चा थी. मैं मुझे लगता है ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए क्योंकि जब इस तरह के डिबेट होंगे तभी शायद एक मंथन होगा. हम दोनों आपस में, मतलब हम बिल्कुल ही अलग फील्ड से हैं, ऐसे कई और स्पीकर्स भी थे, एडवर्टाइजिंग के लोग भी थे, तो ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि इन एड्स का क्या इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है. तो मेरा जो सेशन था जिसमें मैंने बोला वो महिलाओं के बारे में था, और क्योंकि मेरे काम में, मेरे सोशल वर्क में भी और एक्टिंग के काम में भी काफ़ी इंटरेक्शंस होते हैं, मैं कॉलेजेस में भी और अलग विमेंस फोरम में भी बातचीत करती हूँ, तो उसका असर बिल्कुल साफ नज़र आता है. तो मैंने कुछ ये फेयरनेस क्रीम्स जो आजकल बहुत चली हैं उन पर कुछ बात की, और इसी तरह की जो औरत की जो एक औरत का जो पोर्ट्रेयल है उसको किस तरह से कई बार एडवर्टाइजिंग री इन्फोर्स करती रहती है, हमेशा औरत को काम करते ही दिखाती है या किचन में ही दिखाती है, चाहे वो बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की हो. तो किस तरह से हम इसमें सेंसिटिविटी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, और हर तरह के एड्स होते हैं, अच्छे एड्स भी होते हैं. और देखिए ये जो फोरम है, जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल है, इनका काम यही है कि उसे रेगुलेट करें. हम एज सिटीजन्स, मैं यहाँ एक तरह से सिटीज़न रिप्रेजेंटेटिव के बतौर आई हूँ, और ये यही कहने के लिए कि औरतों को जिस तरह से आप पोर्ट्रे करते हैं, या ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें औरतों की कोई भूमिका ही नहीं है लेकिन उसमें भी औरत को दिखाया जाता है, और उसको एक तरह से, चाहे वो मिनी स्कर्ट में हो या साड़ी में हो, उसकी सिर्फ बात नहीं है, लेकिन उसका जो पूरा चित्रण है वो जिस तरह से दिखाया जाता है कभी कभी बहुत ही एक नैरो वे में मैसेज पहुँचाता है, जिसकी वजह से लोगों को ये 30 सेकेंड में, 60 सेकेंड में वो चीज़ बार बार दिमाग में उसका असर आता है. तो फिर हम सोचने लगते हैं कि हाँ, भारतीय नारी यानी ऐसी होनी चाहिए, या मॉडर्न लड़की हो तो बस वो वैसी होनी चाहिए. हम उसको एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में डाल देते हैं. और ऐसे भी कुछ एड्स हैं जिसमें मैसेजेस सटल होते हैं, सटली प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं, सटली रिग्रेसिव भी हो सकते हैं. तो इन्हीं पर चर्चा थी, और भी कई इंटरेस्टिंग सेशंस थे, बच्चों पर कैसे एड्स का असर होता है वगैरह. देखिए, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा को लीजिए या मेन स्ट्रीम एड्स को लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जनता, मतलब अगर आप फिल्में भी देखें तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो एक एक्ट्रेस की जो भूमिका होती है वो तकरीबन एक ग्लैमराइज करने की एक भूमिका रहती है. उसमें कुछ डायरेक्टर्स ने, कुछ एडवर्टाइजर्स ने उसको बदला भी है, लेकिन बहुत कम. इसीलिए मेन स्ट्रीम सिनेमा या मेन स्ट्रीम एड्स उसी चीज़ को रीइन्फोर्स करती रहती है कि भाई लड़की खूबसूरत लगनी चाहिए, लड़की इस यू नो फेयर एंड लवली लगनी चाहिए, या उस तरह से. क्योंकि हम एज सिटीजन्स अगर ये डिमांड करते रहेंगे तो हमें यही मिलता रहेगा. इसीलिए जिम्मेदारी सिर्फ एडवर्टाइजिंग कंपनीज और इनकी नहीं है, हमारी भी है कि हम अपनी सोसाइटी की सोच कैसे बनाते हैं. आज जैसे चर्चा में किसी ने कहा कि ये लड़कियों को गोरा होने का शौक तो एडवर्टाइजमेंट के पहले से था, अभी की बात नहीं है, ये तो अब ज़्यादा एड्स होने लग गई हैं. तो ये एक तरह से चिकन एंड एग सिचुएशन है कि कौन किसको ब्लेम करे. तो कहने का मतलब है कि हम सभी अगर वो ब्लेम ले कुछ हद तक, और हम सभी जिम्मेदार हो जाएं, जिम्मेदार दर्शक और जिम्मेदार एडवर्टाइजिंग, जिम्मेदार फिल्म मेकर्स, तो शायद इस चीज़ को बदल सकते हैं. नहीं, ऐसे कुछ एड्स है, मैंने एक ICICI का एड देखा था जिसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव, मतलब उस ठीक छवि में दिखाया गया था, पर आखिर तक आते आते वो उस औरत को किचन में तो ले ही आए वो किसी भी तरह से. तो मतलब किचन में लाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, औरतें काम भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, पर दफ्तर में भी जाती हैं. एक मैंने ऐड देखा था, ईरा या कुछ था, जो प्रोग्रेसिव ऐड की कैटेगरी में आता है, उसी हिसाब से मुझे दिया भी गया था, जिसमें उसको एक दुर्गा देवी की तरह दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग काम वो करती है, पर उसके ज़्यादातर हाथों में 10 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में एक टेडी बेयर है यानी वो अच्छी माँ है, एक हाथ में कैंची है, पता नहीं शायद टेलर है या घर के कपड़े करती है, एक हाथ में छुरी कुछ है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो घरेलू काम की थी. और एक आधा जो अलग भी थी वो थी जैसे जिम में जैसे जाते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं ताकि खूबसूरत भी आप बने रहें, लेकिन उसके हाथ में आर्किटेक्ट का रूलर नहीं था, उसके हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं था, उसके हाथ में यू नो स्कूल का नोटबुक नहीं था. औरतें और कई काम भी करती और वो छवि भी अगर सामने आए तो अच्छा रहे. देखिए, अब कितने लोग, ऐसे कई लोग हैं जो फेयर एंड लवली पिछले 10 साल से 20 साल से यूज़ कर रहे हैं. अब फेयर एंड लवली सिर्फ नाम, हम किसी एक कंपनी का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी कई और कंपनीज भी आ चुकी हैं जो गोरेपन की क्रीम है. इससे कई लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ऐश्वर्या राय बन जाते हैं.
तो जो ज़्यादातर जनता जो है जो इस रंग की है उन्हें बड़ा ये लगता है कि यार हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम आगे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हर ऐड में तो गोरी लड़की दिखाई जा रही है, हर एयर होस्टेस गोरी दिखाई जा रही है, इवन हर फिल्म में सिर्फ गोरी लड़कियाँ। अगर आप एक्ट्रेसेस को भी देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो शुरू में सांवली भी थी, अगर उनकी फिल्म्स आप देखते जाएं तो उसमें वो पता नहीं कैसे धीरे धीरे बहुत गोरी हो गई हैं। तो एक तरह से ये मेरा भी पर्सनल बैटल लग गया है कि मैं ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाऊंगी जो गलती से भी गोरा बना दे, क्योंकि हम जो हैं हम उसमें अपनी अंदर की शक्ति, अपने अंदर के टैलेंट को, कॉन्फिडेंस और हज़ार चीज़ों से आता है। और ये कहना आसान है शायद, लेकिन जब कोई चीज़ बार बार इसे ऐसे रीइंफोर्स करो, सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं, वो फिल्में हों, चाहे सारी जितनी भी प्रोजेक्टेड, आप एक होटल में जाइए वहाँ आपके रिसेप्शनिस्ट हों, एक कंपनी में जाइए उसके रिसेप्शनिस्ट हों, उसकी डिमांड होती है। अभी कल ही मुझे पता चला है कि एक मैं एक घर पे काम करने के लिए ढूंढ रही थी औरत को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पर वो मतलब आपको काली तो नहीं चलेगी ना, तो उसमें भी मतलब जो मेड काम करती है उसके भी क्राइटेरिया है कि लोगों को सांवली मेड नहीं चाहिए। तो चाहे भाई आप झारखंड या बिहार या उड़ीसा या बंगाल या तमिलनाडु, यहाँ कहीं से मत लाइए, अब कश्मीरी मेड जी सिरवानी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं कि हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को देखें।